हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन का काम तेजी से जारी है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी को चुनावी हार का डर सताने लगा, इसलिए वे चाहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना पर हरियाणा कांग्रेस नेताओं से राय मांगी है। हालांकि हरियाणा कांग्रेस के नेता लगातार आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार करते रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी को बीजेपी विरोधी वोट के बंटने का खतरा महसूस हो रहा है। इसके पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली चंडीगढ़ समेत कई क्षेत्रों में साथ मिलकर मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन उसका फायदा सिर्फ कांग्रेस को मिला, आम आदमी पार्टी को नहीं। नतीजा ये हुआ कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके पहले एक इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं से इनकार कर दिया था। शैलजा का कहना था कि कांग्रेस राज्य में मजबूत है और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहले कह चुके हैं कि वे हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। सूत्रों ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम को भी मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि बुधवार तक अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने को लेकर जारी अटकलों पर भी जल्द विराम लग जाएगा। बाबरिया ने कहा कि हरियाणा के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा 49 नामों की सूची पेश की गई, जिसमें से 34 को मंजूरी दे दी गई और 15 लंबित हैं। उन्होंने कहा कि 22 वर्तमान विधायकों के नाम को भी मंजूर कर लिया गया है। बाबरिया ने कहा कि कुछ नाम समीक्षा समिति को भेजे गए हैं और उन पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस समिति में कांग्रेस की हरियाणा इकाई के प्रमुख और विधायक दल के नेता शामिल हैं। बाबरिया ने कहा कि उम्मीदवारी का पैमाना उन नेताओं की जीत की संभावना पर आधारित है जिनके नाम सर्वेक्षणों में आए हैं और जो दो बार से अधिक चुनाव नहीं हारे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में INLD और BSP के बीच गठबंधन हुआ है, वहीं JJP और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन हो गया। आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में मजबूती से चुनाव प्रचार कर रही है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने खुद मैदान संभाल रखा है। अब कांग्रेस को डर है कि कहीं भाजपा विरोधी वोट बंट न जाएं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। इसके पहले हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन बिश्नोई महासभा ने चुनाव आयोग से तारीख बदलने की मांग की थी। बिश्नोई समाज के अनुसार गुरु जम्बेश्वर वार्षिक उत्सव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।